नमस्कार दोस्तों, मौशमीस कुकिंग टेन पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ पोटैटो चीज़ क्यूब्स की रेसिपी को शेयर करूंगी। पोटैटो चीज़ क्यूब्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 बॉईल किए हुए पोटैटो लिया है। इन पोटैटोस को हमें अभी अच्छे से मैश करना है। ये पोटैटोस अच्छे से बॉईल होने चाहिए। आप इन्हें फॉर्क, पोटैटो मेशर या चाहे तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो ये पोटैटोस अच्छे से मैश हो जाने के बाद हम इन्हें एक मिक्सिंग बॉल पे डाल देंगे। अभी हम इन्हें चटपटा बनाने के लिए कुछ मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार और 2 चम्मच ओरिगेनो डालकर अच्छे से इन्हें मिला लेंगे। तो हमने मसालों के साथ आलू को अच्छे से मिला लिया है। ये एक स्मूथ मिक्सचर होना चाहिए, इसमें कोई गुठलियाँ नहीं होना चाहिए। अभी हम एक प्लेट पर 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। फिर पोटैटो क्यूब्स को बनाने के लिए हम पहले अपने हाथों में थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लेंगे और फिर आलू के छोटे छोटे गोले बना लेंगे। आलू के गोले को हम थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने साइड पर छोटे छोटे चीज़ के क्यूब्स को रखे हैं। तो इन चीज़ क्यूब्स के 1 या 2 टुकड़े को लेके हम आलू के अंदर डाल देंगे और एक गोला बना लेंगे। फिर हम ये आलू के गोले को कॉर्नफ्लावर से कवर कर देंगे और क्यूब्स का शेप दे देंगे। तो इस तरह आप इन्हें अपने हाथों की मदद से क्यूब्स का शेप दे सकते हैं। इसी तरह हम एक एक करके सारे क्यूब्स को बना लेंगे। तो दोस्तों, जब तक मैं इन्हें बना रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल वाला नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरे हर एक नए रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो इस तरह हमने सारे क्यूब्स को बना लिया है। ये क्यूब्स दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी हम हमारे बचे हुए कॉर्नफ्लावर से एक घोल बनाएंगे। घोल हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, हम पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ही करेंगे। तो घोल हमने रेडी कर लिया है। अभी हम बनाए हुए क्यूब्स पर घोल लगाएंगे और फिर ब्रेड स्क्रम से अच्छे से कवर कर देंगे। इससे हमारा क्यूब्स फ्राई करते हुए फटेंगे नहीं और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। तो इसी प्रक्रिया से हम सारे क्यूब्स को फ्राई करने के लिए रेडी कर लेंगे। फ्राई करने से पहले हमें तेल को अच्छे से गर्म करना होगा, लेकिन फ्राई करते हुए हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना होगा, नहीं तो जो क्यूब्स पर हमने ब्रेड स्क्रम का लेयर लगाया था ये जल जाएगा। हमें क्यूब्स के हर साइड को अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमें क्यूब्स को डीप फ्राई करना है और गोल्डन ब्राउन कलर के होने तक फ्राई करना है। तो ये हमारा चटपटा पोटैटो चीज़ क्यूब्स फ्राई हो चुका है। अभी हम इन्हें एक प्लेट पर टिश्यू पेपर डालकर उतार लेंगे।
इस तरह हम सारे क्यूब्स को फ्राई कर लेंगे। ये क्यूब्स बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और चीजी होने के कारण खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप इन्हें इवनिंग स्नैक्स या स्टार्टर के तौर पर सर्व कर सकते हैं। बच्चे इन्हें बहुत पसंद करेंगे। और हाँ, टी टाइम स्नैक्स के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो ये हमारे सारे क्यूब्स रेडी टू सर्व हैं। आप इन क्यूब्स का मजा लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसे लगे। और हम मिलेंगे एक और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।